वेलकम टू एनसीईआरटी फोरम। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं आप सभी के क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 10 हेरोंस फार्मूला के एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पैरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर एंड पैरीमीटर में क्या रखा है 42 सेंटीमीटर। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि लेट द साइड ऑफ द ट्रायंगल बी लेट द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल बी एक्स मान लेते हैं। थर्ड साइड को हम लोग एक्स मान लेते हैं। हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, जिसके साइड्स दे रखे हैं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और थर्ड वाले को मैंने एक्स मान लिया है, ठीक है। लेट द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल बी एक्स, ठीक है। देन सी ए इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर एंड गिवन दैट पैरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है, 42 सेंटीमीटर हमें गिवन है, यानी ए प्लस बी प्लस सी आपको 42 दिया गया है। तो ए आपका 18 है, बी आपका 10 है, सी तो हमें पता ही करना है, सी मैंने एक्स माना था, ये हो गया 42। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 42 माइनस 18, तो एक्स आपका आ गया 14, एक्स हमारा आ गया 14। तो तीनों साइड्स हमें पता चल गए, तीनों साइड्स हमारे, ये एक्स हमारा क्या है, तो एक्स हमारा 14 सेंटीमीटर आ गया। तो तीनों साइड हमें पता है, तो हेरोंस फार्मूला यूज करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। देन एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो पैरीमीटर में दे रखा था 42 बाई 21। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, आप ध्यान से समझते रहेंगे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो हमें क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ 21 माइनस 18 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14, ठीक है। तो हमें इसी को सिंप्लीफाई करना है, हमें क्या मिल गया 21 मिल गया, इसको आप माइनस करोगे 3 आएगा, इसको माइनस करोगे 11 आएगा और इसको माइनस करोगे 7 आएगा। तो इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। देखो 7 का और 3 का पेयर तो कंप्लीट है, तो हमारे बाहर में एरिया क्या मिल जाएगा, तो 3 इंटू 7 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। देन नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।